योगी का दुश्मन कैसे बना दोस्त, राजनीति ने कराई दोस्ती या वक्त ने बदली सोच। एक सीएम और गवर्नर के अनसुलझे रिश्ते की कहानी। राजनीति भी बड़ी अजीब चीज होती है, जिसमें ना तो कोई किसी का परमानेंट दुश्मन होता है और ना ही परमानेंट दोस्त। और इसी की वानगी है सीएम योगी और शिव प्रताप शुक्ल की ये तस्वीर। राजनीति और गोरखपुर के इतिहास की समझ रखने वालों के लिए ये तस्वीर बेहद खास है। आपको भी योगी और शिव प्रताप शुक्ल की हस्ती मुस्कुराती इस तस्वीर के साथ उठी पुरानी चर्चा का इतिहास बताएंगे, लेकिन सबसे पहले वो खबर बताते हैं जिसने इस तस्वीर को दुनिया के सामने रखा है। दरअसल देश भर में 13 राज्यों के गवर्नर बदल दिए गए हैं। कुछ राज्यपालों का ट्रांसफर हुआ तो चंद नए चेहरों को जिम्मेदारी मिली। नए गवर्नरों की लिस्ट आते ही गोरखपुर से लेकर लखनऊ तक राजनीतिक हलचल तेज हो गई, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति के 3 चेहरे अब से राज्यपाल की भूमिका में नजर आने वाले थे। बिहार के राज्यपाल की जिम्मेदारी संभाल रहे फागू चौहान को मेघालय की जिम्मेदारी मिली। एमएलसी और बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष लक्ष्मण आचार्य को सिक्किम का राज्यपाल बनाया गया, तो वहीं तीसरा और सबसे अहम नाम है शिव प्रताप शुक्ला का, जिन्हें हिमाचल प्रदेश का नया राज्यपाल बनाया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ल को जैसे ही हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल की जिम्मेदारी मिलने की खबर मिली, वो एक दिन पहले ही अपने घर गोरखपुर की तरफ कूच कर गए। शिव प्रताप शुक्ल ने पहले गोरखनाथ मंदिर में गुरु गोरखनाथ का दर्शन पूजन किया। इसके बाद मंदिर परिसर के आवासीय परिसर में सीएम योगी से मुलाकात की। ये मुलाकात भले ही बतौर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के तौर पर शिव प्रताप शुक्ल की यूपी के सीएम से मुलाकात थी, लेकिन तस्वीरें सामने आते ही दोनों नेताओं की पुरानी अदावत भी खबरों में तैरने लगी। और इसकी बड़ी वजह है कि दोनों ही राजनेताओं की कर्मभूमि गोरखपुर रही है और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के दोनों चेहरों को एक दूसरे का विरोधी भी बनाया। आपको बता दें कि शिव प्रताप शुक्ल ने गोरखपुर यूनिवर्सिटी से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। शिव प्रताप शुक्ल पहली बार 1989 में गोरखपुर शहर से विधायक बने थे। उस दौर में कांग्रेस प्रत्याशी को हराकर शिव प्रताप शुक्ल ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी थी। इसके बाद शिव प्रताप शुक्ल ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और 1989, 1991, 1993 और 1996 के चुनाव में लगातार जीत दर्ज कर विधायक बने। शिव प्रताप शुक्ल यूपी कैबिनेट में मंत्री भी रहे, लेकिन ये वही दौर था जब गोरक्षक पीठ के उत्तराधिकारी योगी आदित्यनाथ राजनीति में सक्रिय हुए। 1998 में योगी आदित्यनाथ सांसद चुने गए। योगी गोरखपुर के सांसद थे और शिव प्रताप शुक्ल गोरखपुर से विधायक, और दोनों नेताओं के बीच ना नजर आने वाला सियासी टकराव शुरू हो गया। जानकार कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने सियासी बढ़त को बनाए रखने के लिए शिव प्रताप शुक्ल को हराने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया। साल 2002 के चुनाव में योगी ने शिव प्रताप के खिलाफ हिंदू महासभा के प्रत्याशी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल को चुनाव लड़वाया और उन्हें शिव प्रताप शुक्ल के खिलाफ जितवा भी दिया, और बस यहीं से दोनों नेताओं में अदावत शुरू हो गई। हालांकि तमाम अदावत और विरोधों के बाद भी योगी और शिव प्रताप पार्टी की खातिर कई बार सार्वजनिक तौर पर एक मंच साझा करते हुए नजर आए। रवि किशन के गोरखपुर लोकसभा से चुनाव लड़ने के वक्त भी दोनों नेता मंच पर थे, लेकिन दोनों नेताओं के बीच राजनीतिक सुगबुगाहट कभी कम नहीं हुई। गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ का राजनीतिक परचम बुलंद रहा और धीरे धीरे शिव प्रताप शुक्ल का राजनीतिक करियर रिटायरमेंट की तरफ चला गया। हालांकि इन सबके बावजूद शिव प्रताप शुक्ल की बीजेपी के साथ वफादारी कभी कम नहीं हुई, और 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्हें इस वफादारी का इनाम भी मिला। शिव प्रताप शुक्ल केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा के सांसद भी बने, और 2022 में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने उन्हें ब्राह्मण समाज को साधने की बड़ी और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी दी। करीब 4 दशकों से प्रदेश की राजनीति में सक्रिय शुक्ल को बड़े ब्राह्मण चेहरे के तौर पर जाना जाता है, और शिव प्रताप शुक्ल की लगन और मेहनत का ही फल है कि उन्हें हिमाचल प्रदेश के गवर्नर का पद देकर बड़ा सम्मान दिया गया है। ये थी दो ऐसे नेताओं की कहानी जिनके चर्चे हमेशा यूपी की राजनीति में की जाती है और आगे भी की जाएगी।